सलमान की एक्टिंग अच्छी है, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है बट नो स्टोरी लाइन नथिंग। कैटरीना कैफ स्टोरी बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग सबकी अच्छी है। गाना पसंद आया आपको इस बार? बहुत वाहियात है, डायलॉग भी बेकार है। सो आप मानते हैं कि आपका पैसा वेस्ट हो गया या पैसा टोटल वेस्ट है? टोटल वेस्ट है, मत देखो, बहुत बेकार। ओके जी, कितने सलमान के? जस्ट गिव द प्रॉपर प्लीज। इट्स रियली वेरी नाइस मूवी, सलमान खान, ओनली फॉर सलमान खान। ओके एंड व्हाट अबाउट सलमान खान एक्टिंग? सलमान खान इज ऑसम, जस्ट वॉच फॉर सलमान खान, इट्स ओके, स्टोरी इज फाइन। ओके, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? आउट ऑफ 5 ओनली फॉर सलमान, 5 आउट ऑफ 5। इट वाज वेरी गुड, द मूवी वॉज वेरी गुड, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छा किया था। द सेकेंड हाफ वॉज लिटल बोरिंग बट सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। स्टोरी लाइन वॉज कॉमेडी ड्रामा टाइप, इट वॉज रोमांटिक ऑल्सो, इट वॉज अ गुड मूवी। 3 तो बहुत अच्छी है एंड अच्छी भी लगी देखने में, क्योंकि सलमान खान की मूवी होती है तो बेसिकली सब लोग उनके फैंस हैं तो देखने के लिए जाते हैं। इंटरवल के पहले मूवी बहुत अच्छी थी, इंटरवल के बाद थोड़ा एंगेजिंग से हट गई मूवी, उसके बाद लास्ट में कुछ उन्होंने बस एक दिखाया है कि ये दुनिया में क्या चल, एक बंदे की ज़िंदगी से वो कैसे उभर कर आया वो दिखाया गया था उसमें। एक्टिंग मेरे को सुनील ग्रोवर सलमान खान की तो वैसे अच्छी है, और एक आर्यन प्रजापति एक छोटा बच्चा उसकी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी लाइन ज़्यादा बेटर नहीं है, मतलब स्टोरी लाइन से हम हट जाते हैं बीच बीच में, तो ज़्यादा इंगेजिंग स्टोरी नहीं है। 4 स्टार। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट। मैं सब जगह यही बोल रही हूँ कि इट इज़ गोना चेंज एवरीबडीज लाइफ, सो वॉचिंग इट वंस इज वेरी वेरी यूजफुल। एंड आई थिंक सलमान खान हैज किल्ड इट लाइक ऑलवेज, एंड कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है मूवी में। सुनील ग्रोवर हैज किल्ड इट अगेन, एंड सलमान इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम अ डाई हार्ड फैन, आई लव यू, एंड आई केम अलोन टू वॉच दिस मूवी ओनली फॉर यू। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, लाइक इट इज़ रिलेटेड टू आर कंट्री, एंड नाम पे मत जाइए बिकॉज काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा रिव्यू दिया है, बट आई थिंक वॉचिंग इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज इट विल रियली चेंज योर लाइफ। 4.5। सलमान खान की एक्टिंग अच्छी थी, अच्छा काम किया है, इमोशनल है लेकिन बहुत अच्छा है जी। क्या नया है मूवी में सलमान, अगर आपने देखा काफी टाइम पर? ठीक ठाक है, फाइटिंग वाइटिंग वाली नहीं है लेकिन अच्छा काम किया है जी। ओवरऑल मूवी मतलब आपको क्या वसूल, पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। 4। थैंक यू वेरी मच। मूवी बहुत अच्छी थी, इट वॉज अमेजिंग, आई लव इट द मूवी। बहुत अच्छा था स्टोरी लाइन भी, क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा था उसमें। बोरिंग आपको लगा? नहीं मुझे नहीं लगा, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाती हूँ सलमान खान का मूवी। और एक्टिंग इसकी अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम सलमान खान, क्योंकि आप सलमान खान के फैन हैं। या द एंट्री व्हाट ही गिव नो दैट एंट्री आई लाइक इट, एंड द केमिस्ट्री व्हाट ही मेक इनसाइड नो दैट वाज आल्सो नाइस। 4। मूवी बहुत अच्छी थी एक्चुअली, इंडियन जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का उसके ऊपर है, वो लोगों का क्या हुआ था ड्यूरिंग द पार्टीशन, आफ्टर एंड बिफोर द पार्टीशन, एवरीथिंग इज़ गुड, देन हाउ पीपल मीट आफ्टर द हेल्प ऑफ मीडिया। मूवी इज़ गुड, एक्टिंग इज़ गुड, सो इज़ गोइंग टू अर्न अबाउट 500 to 700 crores। सलमान की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, टू बी ऑनेस्ट इट विल रिमाइंड यू द बजरंगी भाईजान एक्टिंग ऑफ हिज मूवी। कैटरीना इज़ गुड, या वेरी गुड एक्टिंग, या 4.5 इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। सच्ची में अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देखने, बट मूवी बहुत स्लो हो गई इंटरवल के पहले, बट मूवी का टाइम अगर सच्ची में कम रहता ना तो मूवी बहुत और अच्छी हो सकती थी। मूवी की अगर बात करें तो कितनी एंगेजिंग है, ऑडियंस को कितना पकड़ के रखती है? या एंगेजिंग तो ऑब्वियसली है, बट वो लास्ट का एक सॉन्ग एक्चुअली नहीं होता तो और अच्छा रहता, और टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए। स्टोरी है ना ऑफकोर्स पसंद है। और इसमें एक्टिंग आपको? सुनील ग्रोवर, सलमान खान और कैटरीना ने इसमें तो भी एक्टिंग की है। 3.5। कैसा कैसा लगा मूवी, आप थोड़ा बताइए, ब्रीफ दीजिए। बहुत बोरिंग था। बोरिंग था बहुत ज़्यादा। क्यों बोरिंग था? स्टोरी लाइन बहुत जीरो है।
सलमान हर टाइम पे कुछ ना कुछ बन रहा है. जैसे हमें जीरो में शौक लगा था वैसे इस फिल्म में बहुत शौक दिया. जीरो में तो एक बार लगा था, इसमें हर 10-15 मिनट बाद दूसरा शौक ऐसा रियली इज हैपन इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड. इसमें ऐसा होता है क्या? और एक्टिंग की बात करें तो किसकी एक्टिंग अच्छी है या खराब है? सुनील की बहुत अच्छी है. सलमान एक्टिंग में नो डाउट बहुत अच्छा लगा मुझे. बट द स्टोरी लाइन अगर अच्छी होती ना तो आई वुड हैव गिव 5 out of 5. आपको क्या लग रहा है, मूवी हिट जाएगी फ्लॉप जाएगी? सी लोग सलमान की फिल्म देखने आते हैं, फिल्म में क्या है ये बिल्कुल देखने नहीं आते. सो और ईद का टाइम है तो डेफिनेटली लोग आएंगे. और कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में, कोई दूसरी फिल्म नहीं है बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश फिल्म लाइक करते हैं. फॉर द स्टोरी 1 एंड फॉर द एक्टिंग 3. फिल्म आई कैन टॉक अबाउट द होल फिल्म. So it's really good. Songs are really nice. Okay. Presentation is Disha Patani was awesome and Katrina Kaif the out of the world. Okay. She played really well. Thank you, ma'am. Thank you so much. अंकल थोड़ा मूवी के बारे में बताइए कैसा लगा? देखिए मूवी भारत नाम दिया है तो हम लोग केज वाले ये सोच के आए थे कि मनोज कुमार का कुछ इसमें आएगा, मनोज कुमार टाइप पिक्चर होगी. लेकिन सलमान खान ने इसमें पेट्रोटिक कुछ बताया नहीं है, उसकी अपनी जीवनी है. वो बचपन से लेके 70 साल तक उसने क्या क्या पापड़ बेले वो बताया और अच्छी तरह कामयाब भी है उसने जो काम किया. जहाँ तक डायरेक्शन का मामला है, डायरेक्शन बहुत सुपर्ब है. हर चीज़ को अच्छी से तरह से चित्रण किया गया है. सोमालिया में सीप लुटेरे जो होते हैं हम लोग टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन लाइव आज हमने देखा. उस तरह वाघा बॉर्डर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ इस तरह का इन लोगों ने लास्ट में इतना अच्छा बताया है कि वो दिल को छू जाता है. तो ओवरऑल स्टोरी लाइन आपको पसंद आई? ओवरऑल देखिए स्टोरी जो है ना वो पर्सनल है, वो कोई देशभक्ति के ऊपर नहीं है. और नाम से लोग अभी ये भी सोच के आए हैं कि भारत नाम रखा है तो ये रो का ऑफिसर होगा, इंटेलिजेंस ब्रांच का होगा और दूसरों से लड़ता होगा और देश का नाम ऊंचा करता होगा. लेकिन वो ये सब चीज़ें इस पिक्चर में नहीं है. अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सुपर. आप किसकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी? सलमान की तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. कैटरीना की भी अच्छी एक्टिंग है. अच्छा, और मूवी हिट होगी फ्लॉप? मूवी हिट ही होगी, फ्लॉप तो नहीं होगी. हिट होगी. आउट ऑफ 5 3.5 दूंगा मैं. थैंक यू ओके जी. डूब जाऊं तेरी आंखों के मोशन में, स्लो मोशन में. बहुत ही अच्छी मूवी है और मेरे हिसाब से ईद के ऊपर सलमान की तरफ से ये सबको बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वीट गिफ्ट है सिवैयों की तरह. तो सभी को ये मूवी देखनी चाहिए. और स्टोरी की बात करें तो कितनी एंगेजिंग है? स्टोरी काफ़ी ग्रिप रखा है स्टोरी के अंदर. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो इधर से भी ट्रेनें जाती हैं, उधर से भी ट्रेनें आती हैं मुर्दों की, तो उसमें बहुत से अपने बिछड़ जाते हैं. तो इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया कि एक फादर के किए हुए वादे को कि अपनी पूरी फैमिली को संभाल के रखता है और उसके कारण अलग अलग स्टेप से अलग अलग रंगीन लाइफ जीनी भी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं और उन सब से निकलते हुए मतलब अपनी लाइफ को जीते और उस वादे को पूरा करते हैं. एक बहुत अच्छा ग्रिप है स्क्रिप्ट में, कहीं भी पब्लिक अपने आप को स्क्रिप्ट से अलग नहीं पाएगी. एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में तो सलमान सर ने मतलब बहुत अच्छा वर्क किया है. बाकी कैटरीना ने भी अच्छा वर्क किया, सुनील ग्रोवर है हर कैरेक्टर ने. जो सलमान की माँ का जो कैरेक्टर किया उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब हार्ट टचिंग कैरेक्टर किया. मूवी क्या लगता है आपको, हिट जाएगी? मूवी तो हिट है, मूवी हिट है. 5 में 4.5. थैंक यू सर. हाँ जी, मूवी बहुत अच्छी है, ईद पर रिलीज हुई है. वेरी नाइस मूवी सलमान खान. स्टोरी की बात करें तो कितनी एंगेजिंग है, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया? स्टोरी ऐसे ऑलवेज अच्छी है, पूरी स्टोरी अच्छी है. वैसे भारत मूवी, नाम ही भारत है तो अच्छी है मूवी. किसकी एक्टिंग पसंद आई आपको? सलमान. सलमान के अलावा कैटरीना भी अच्छा है. Okay. क्या लगता है मूवी हिट होगी? हाँ, होनी तो चाहिए. अच्छी. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 5. ओके. मूवी बहुत अच्छी थी, खासकर सलमान सर का एक्शन वो हर फिल्म में दिखता है, इस फिल्म में भी दिखा. बहुत बढ़िया थी और खासकर सुनील ग्रोवर की एक्टिंग लाजवाब थी. और स्टोरी लाइन की कहीं ना कहीं बात करें एंगेजिंग है, ऑडियंस को पकड़ के रखती है या कैसा? पकड़ के नहीं रखती है क्योंकि स्टोरी बहुत डीली चलती है, धीरे धीरे चलती है
तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। डायरेक्शन, म्यूज़िक, उसके बारे में थोड़ा? म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया था, डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया था, लेकिन स्टोरी थोड़ी ढीली हो जाती है। स्टोरी पे ऊपर थोड़ा काम करते तो और भी बढ़िया हो जाती थी। क्या लगता है आपको, हिट जाएगी? सलमान सर है तो ऑब्वियसली हिट जाएगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4 स्टार, और सुनील ग्रोवर के लिए खास 10 स्टार। मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ईद के मौके पे इससे बेहतर ईद ही नहीं मिल सकती थी। तो सलमान भाई को कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी फिल्म है और सभी फैंस को जाके देखनी चाहिए। क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब है? स्टोरी लाइन? मुझे स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी। एक इंसान की 18 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स की पूरी जर्नी दिखाई है, राइट फ्रॉम पार्टीशन टिल मॉडर्न इंडिया। उसके साथ में म्यूज़िक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं और कहीं भी आप बोर नहीं होगे। सुनील ग्रोवर हैं तो कॉमेडी पंचेस हैं, स्टोरी भी सीक्वेंस में चलती है, कहीं भी हेल्टर स्केल्टर नहीं होती। तो आई थिंक दैट वे ओवरऑल पैकेज इज़ गुड। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लुक्स एक्सपेरिमेंट किए और स्पेशली जो ओल्ड किरदार है उसमें इतना ठहराव है, बहुत ही रेस्ट्रेंट है कैरेक्टर है वो, और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने ध्यान में रखा कि मूवी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, और वो पार्टीशन वाले सीन्स बहुत ही टचिंग हैं, बहुत ही इमोशनल है, तो वो पेट्रियाटिक फीलिंग भी जाग जाती है। और ईद का मौका है तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। एक फिल्म का और क्या चाहिए लोगों को, एक अच्छी यू नो स्टोरी हो और म्यूज़िक अच्छा हो, तो ये दोनों ही फैक्टर्स ही मूवी में हैं। आई थिंक कैटरीना कैफ शी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। पीपल आर सेइंग दैट शी कांट एक्ट, बट विद एवरी मूवी यू नो शी इज़ कमिंग आउट। कुछ मूवीज़ उनकी नहीं कामयाब हुई, बट ये मूवी में भी काफ़ी अच्छा उनका किरदार है। और उसके साथ सह कलाकार जो भी हैं, सुनील ग्रोवर, कुमुद मिश्रा और सोनाली कुलकर्णी का एक बुजुर्ग महिला का किरदार है, सभी के किरदार बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज, डेफिनेटली।